हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? तो आपको लग रहा होगा मैं अपने हाथ क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि आज की जो ड्राइंग होने वाली है वो मैं करने वाली हूँ हाथ पे, यानी एक हाथ से दूसरे हाथ पे। तो आज मैंने इसीलिए नेल पेंट भी लगाई है ताकि मेरे हाथ थोड़े ठीक दिखें। इस वाले पार्ट में बनाएंगे हम ड्राइंग, और इस पर मैं बनाने जा रही हूँ आई की ड्राइंग, यानी मैं अपने हाथ पे आँख बनाने जा रही हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है पर देखने में अच्छा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये मार्कर है, इससे मैं आई की ड्राइंग बना लूंगी। यहाँ पे मैं बस एक रफ स्केच बना रही हूँ आइडिया लेने के लिए, और उसके बाद करेंगे हम इसमें कलर। हमारी आई तो बन गई, तो अब बारी है कलर करने की। सबसे पहले आई के अंदर वाले पार्ट में करेंगे हम व्हाइट कलर। ये आज का जो आर्टवर्क है वो मेरे लिए एक तरफ से चैलेंज ही है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ड्रॉ कर रही हूँ अपने हैंड पे, मतलब मैं हैंड पे फर्स्ट टाइम कुछ ड्रॉ कर रही हूँ। तो देखते हैं ये कैसा बनता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कल से मैं एक न्यू चैलेंज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें मैं अलग अलग मीडियम्स पे अलग अलग कलर्स का यूज़ करके कुछ आर्टवर्क्स बनाऊंगी। यानी मैं खुद को चैलेंजेस दूंगी कि मैं इनको बना पाती हूँ या नहीं, और आप भी मुझे चैलेंजेस दे सकते हैं कॉमेंट्स में। अगर आप ये चैलेंजेस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं बना रही हूँ स्किन वाला पार्ट, जिसमें मैंने ऑरेंज, वाइट और थोड़ा सा येलो मिक्स किया है इसको स्किन का टेक्सचर देने के लिए। आई की दोनों साइड से हम कलर को थोड़ा डार्क रखेंगे ताकि इसमें थोड़ा रियल इफेक्ट आए। को डार्क बनाने के लिए जो हमने स्किन कलर बनाया था उसमें मैंने ब्राउन कलर मिक्स किया है ताकि ये थोड़ा सा डार्क हो जाए। इसी तरह से हम पूरी आई को कलर कर देंगे। तो हमारी आई बन चुकी है दोस्तों, तो क्या आप देखने के लिए रेडी हैं? तो ये रही हमारी आई, और ये कुछ ऐसी बनी है। अंदर की लाइट में ये कुछ ऐसी दिख रही है, और बाहर की लाइट में जाके मैं आपको दिखाती हूँ। पर ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया तो फिर भी ये काफ़ी अच्छी बनी है। बाकी आपको कैसी लगी कॉमेंट में ज़रूर बताना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।